जी हेलो। तो नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अंकल वर्मा और आप देख तेज पाटकेशपुर। अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 4,000 वाच टाइम घंटा एक साल में और 365 दिन के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या होगा? मैं दोस्तों, आपके मन में डाउट होगा कि अगर हमारा चैनल बंद हो जाएगा या फिर हमको फिर से काम करना पड़ेगा या फिर हम अपने चैनल को नया चैनल क्रिएट करेंगे तो मैं कैसे करूंगा। इस ये सारे डाउट आपके मन में भरा हुआ है, कमेंट भी कर रहे हैं मैं दोस्तों। तो मैं आपको ये डिटेल करने वाला हूँ कि आप अगर वाच टाइम को लेकर मैं दोस्तों चिंता मत करिए, क्योंकि आपको एक साल में कंप्लीट करना है मैं दोस्तों, 365 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ये नहीं एक साल के अंदर ही कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका चैनल बंद हो जाएगा। जी दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए ये है हमारा 5 अंगुली, यानी कि 5 महीना है। आप मान लीजिए कि इसके अंदर से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा करना है 4,000 वाट घंटा 1,000 सब्सक्राइबर। अब अगर आप इसके अंदर नहीं पूरा कर पाते हैं, आप इस महीने में निकल जाते हैं, इस महीने में निकल जाते हैं, इस साल में निकल जाते हैं मेरे दोस्तों, तो आपका ये हिस्सा जो इस महीने का है ये हिस्सा माइनस हो जाएगा। यानी कि आप इस महीने में जितना सारा वाट टाइम कंप्लीट किए होंगे ये वाट टाइम कंप्लीट हो जाए माइनस हो जाएगा आपका इस महीने से, यानी कि दूसरा महीने से लेके इस महीने में आपको जाना पड़ेगा, यानी कि फिर 5 महीना पूरा होगा आपको। अगर इस महीने में भी नहीं पूरा हुआ है, आप इस महीने में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ये महीना भी काउंट हो जाएगा, यानी कट जाएगा आपका। 3 ही महीने, ये 3 को 5 महीने में आपको पूरा करना है। तो इस तरह से वाट टाइम यूट्यूब का काउंट होता है। आप जिस तारीख को आप अपना यूट्यूब चैनल पे अप्लाई करेंगे कि हमारा चैनल मोनेटाइज करने के लिए रेडी हो गया है, जिस तारीख को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करेंगे उस तारीख से पिछले 365 दिन तक काउंट होगा। और उसके आगे जो काउंट आपका वाट टाइम आया होगा या नहीं आया होगा, सब्सक्राइबर आया होगा या नहीं आया होगा, वो माइनस हो जाएगा। इस तरह का यूट्यूब का क्राइटेरिया मैं दोस्तों है कि आप अगर वाट टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 365 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो वहां से लेके जिस तारीख से अप्लाई करेंगे, मान लीजिए कि आपको 1 तारीख को आपने चैनल ओपन किया जनवरी महीने में 2024 को, तो 1 तारीख 2025 तक आपका काउंट होगा। अगर आपका उस महीने में जनवरी में 1 तारीख को आपका वाट टाइम नहीं कंप्लीट हुआ है, फरवरी में या मार्च में कंप्लीट हो रहा है, तो आपका मार्च महीने से 1 तारीख से लेकर 2025 मार्च तक ही काउंट होगा। यानी कि आपका 2 महीने का जनवरी और फरवरी महीने का माइनस हो जाएगा। इस तरह से यूट्यूब पे काउंट होगा आपका यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, 4,000 वाट टाइम घंटा और 1,000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है अपने वीडियो की तरफ। और लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो, आप अपलोड करते रहिए, आपका वाट टाइम जिस दिन पूरा हो जाएगा 4,000, उस दिन आपके वाट यूट्यूब खुद दिख जाएगा कि हमारा आज 4,000 वाट टाइम घंटा पूरा हो गया है, क्योंकि वो माइनस होते हुए भी चल रहा है, आपका 1 साल से ऊपर हो रहा है। तो आपका समझिए कि आपका पिछले महीने का वाट टाइम माइनस हो गया है, वो फिर शुरुआत से ही चलता रहेगा। अब आप शॉर्ट वीडियो भी देखिए कि आपका 3 महीने शॉर्ट वीडियो पे 1 लाख या 2 लाख व्यूज होता हुआ, और 3 महीने जिस दिन पूरा हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, और माइनस होते होते वो फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आपका वाट टाइम और सब्सक्राइबर काउंट होते हैं यूट्यूब क्राइटेरिया में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त अंकल वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।